मुझे फिर से वही विनाश का दृश्य दिखाई दे रहा है। कुछ भी करके हमें उस तीसरी दुर्लभ कुंजी को प्राप्त कर लेना चाहिए। तो फिर शौर्य, अब जल्दी से हमें तीसरी चाबी की लोकेशन बता दीजिए, हम तुरंत जाकर। तीसरी दुर्लभ कुंजी को प्राप्त करना बहुत ही कठिन होगा विवान, क्योंकि तीसरी छवि निर्जीव नहीं बल्कि एक दानव के रूप में हिमलोक में छुपी है, और इस दानव का नाम है टिक टिक। अब ये खबर सुन के तिमनासा खुश हो जाएगी। टिक टिक तो किसी टाइमर बॉम्ब के अलार्म जैसा नाम है। टिक टिक किसी विस्फोटक से ज्यादा खतरनाक दानव है। आज तक जो भी उसे पकड़ने हिमलोक गया है वो वापस नहीं आ पाया है। आखिर ऐसी कौन सी शक्तियां है उसके पास जो आज तक कोई भी उसका सामना नहीं कर पाया? उस दानव की शक्तियों के बारे में किसी के पास कोई जानकारी नहीं है। ओ, इसका मतलब हमें उससे लड़ते हुए उसकी कमजोरियों के बारे में और उसकी शक्तियों के बारे में पता लगाना होगा। लेकिन शौर्य, आपने हमें अभी तक ये नहीं बताया कि वो टिक-टिक मॉन्स्टर अपने मॉन्स्टर वाले रूप से चाबी वाले रूप में कैसे कन्वर्ट होगा। टिक-टिक की शक्तियां केवल जादुई लोक में ही काम करती हैं, इसलिए अगर उसे धरती पर लाया जाए तो उसका दानव रूप कुछ ही वक्त में पिघल जाएगा और वो एक निर्जीव छवि बन जाएगा। बिल्कुल किसी शार्क की तरह जिसकी पावर सिर्फ पानी के अंदर होती है। लेकिन ध्यान रहे, वो दानव दुर्लभ कुंजी के रूप में आने के बाद धरती पर नहीं गिरना चाहिए, वरना धरती का स्पर्श लगते ही वो कुंजी धमाके के साथ नष्ट हो जाएगी। फिगर नॉट शौर्य, पार्टनर ने आज तक एक भी कैच ड्रॉप नहीं किया है, तो एक ही भी ड्रॉप नहीं होने देंगे। लेकिन शौर्य, प्रश्न ये है कि जब वो दानव पिघल कर वो दुर्लभ कुंजी बन रहा होगा, तब उसे भारत नगर के लोगों से कैसे बचा कर रख पाएंगे हम? इस कार्य में डूबा डूबा हमारी सहायता करेगा। बप्पर सेल है, साथ में किस्मत का खेल है। अरे लूट लो भाई, लूट लो, लूट लो भाई, लूट लो। सस्ता सुंदर टिकाऊ हमारा माल है, एकदम बिकाऊ। यादव यू, ओ भाई, एक काम करो ना, ए फटाफट दो दर्जन झाड़ू दे दो। एक पैकेट और ले लेते हैं ना। हाँ बस कीजिए अभी। हाँ माँ, और इतने सारे अनाज, इतने सारे तेल काम करेंगे क्या? बोलो नहीं, सुनो, इतना सस्ता सामान मिल रहा है तो अगले हफ्ते हम कुछ जरूरतमंद लोगों को फ्री में खाना खिला पाएंगे ना। हाँ ये भी सही बात है, सेल के टाइम भी आप अपना नहीं लेकिन दूसरों का फायदा देख रही। अगर ये बात सबको समझ में आने लग जाए तो दुनिया कितनी सुंदर हो जाए। बम्पर सेल है, साथ में किस्मत का खेल है। हाँ, आप सबको जो सामान दिया गया है उसके साथ में एक स्क्रैच कार्ड मिला है, और भाई और बहनों, ये स्क्रैच कार्ड को स्क्रैच कीजिए और अपनी किस्मत आजमाइए। हाँ। अरे कीजिए कीजिए, स्क्रैच कीजिए। हमको भी गोवा ट्रिप ही लगी है। हाँ, हमें भी। अच्छा, सबको। अरे कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, आप सबकी ट्रेन की टिकट आज शाम तक घर तक पहुंच जाएगी। शाम तक मिल जाएगी, तो तैयारी कीजिए, कल आपको निकलना है। कल सुबह निकलना है। हाँ हाँ। माँ, एक्चुअली मैं आप सबके साथ नहीं आ पाऊंगा क्योंकि कल से मेरे कॉलेज के एग्जाम स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो फिर हम भी नहीं जाते। अरे नहीं माँ, आप सब जाइए ना, फैमिली सब एंजॉय करना, मैं एग्जाम से इसलिए नहीं आ पाऊंगा। बहू ऐसा मत करो, 1990 से मैं गोवा जाने का सपना अपने मन में पाल रहा हूँ, कम से कम उस सपने को तो पूरा होने दो। हाँ माँ, प्लीज ये फ्री की ट्रिप कैंसिल मत कीजिए। अब जब मेरी पूरी पलटन ही ट्रिप पे चली जाएगी तो फिर मैं यहाँ रहकर क्या करूंगा। ठीक है, चलो। भारत नगर को खाली कराने का प्लान तो कामयाब हो गया, अब उस टिक टिक से मिलकर
तीसरी दुर्लभ कुंजी को जल्द से जल्द हासिल करना होगा। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।